हमीरपुर नगर परिषद में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार में तेजी से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी चेतन लखनपाल ने अपील करते हुए कहा कि जनता भारी मतों से उन्हें जिताए। उन्होंने कहा कि वार्ड में लोगों की सारी समस्याएं हल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी इस वार्ड से पार्षद रह चुकी है, उन्होंने पूरी तरह से समाज सेवा की है। उन्होंने कहा जो भी समस्या होगी उसे नगर परिषद में उठाया जाएगा और उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चेतन लखनपाल की पत्नी ने कहा कि वह लोगों का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने 10 सालों तक उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्होंने भी बाढ़वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनता उनके पति चेतन लखनपाल को भारी मतों से जिताए और जो काम अधूरे लटके हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। धन्यवाद जी, मैं तो अपने बाढ़वासियों से जो पूर्व नागरिक हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आप भारी मतों से मुझे 10 तारीख को सिलाई मशीन EVM के नंबर 3 स्थान का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं ताकि मैं आपके कार्य को हमेशा अच्छे तरीके से कर सकूं, क्योंकि हमने 10 वर्षों तक मेरी धर्मपत्नी मेरा लखनपाल इस बाढ़ से पार्षद रही हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से मृदु भाव स्वभाव से करा किया है। उनके साथ मैंने भी कंधे से कंधा मिला के समाज सेवा में पूरा योगदान दिया है। अगर आप मुझे पार्षद चुनकर भेजते हैं तो मैं पार्षद मैं नहीं हूँगा, सिर्फ मेरी बात जनता होगी। मैं तो आप सिर्फ जन सेवक बनकर कार्य करूँगा और जो आपके द्वारा जो आपकी ज्वलंत समस्या होगी उनको पूर्ण रूप से नगर परिषद में उठाऊँगा। हर दुख हर सुख में आपके साथ रहूंगा, जब भी आप कहेंगे दिन रात मैं आपके साथ मिलकर कार्य करूंगा। हमारी एक सोच लंबी सोच रहेगी तो विषय में हम अच्छी नीति लंबी नीतियाँ बना के कार्य करेंगे ताकि लोगों को अच्छे कार्य करने को मिले जो लोगों के हित में हों। जैसे टैक्स की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाएगा और कई जो समस्या है लोगों की उस सारी समस्याओं को देखा जाएगा। हमारे वार्ड के अंदर सबसे पहले 2011 के अंदर पार्षद मेरा लखनपाल ने एक हाउस के अंदर एक समस्या को उठाया था कि शहर को डस्टबिन फ्री किया जाए और डोर टू डोर स्वच्छता अभियान चलाया जाए और कुछ सालों के बाद फिर इसको लागू किया गया और ये आज प्रथम चरण में कार्य चल रहा है इसका और डस्टबिन शहर को फ्री किया गया है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में शहर स्वच्छ और सुंदर रहे और इसके लिए और अच्छा कार्य किया जाए जो जिसका हम सबसे सब प्रमुखों से मिलकर उनका सजेशन लेकर नया कार्य करेंगे, नया काम करेंगे और भविष्य में नया काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि 10 तारीख को EVM का 3 नंबर का बटन दबाकर सिलाई मशीन पर मुझे अपना मतदान दें और मुझे विजय बनाएं, भारी मतों से विजय बनाएं ताकि मैं आपके हर कार्य को परिपूर्ण कर सकूं। मैं वार्ड नंबर 7 के निवासियों का तय दिल से धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने मुझे 10 सालों तक अपना समर्थन दिया, प्यार दिया, उसका मैं आभारी हूँ। मैंने भी जितना बन पाया उतना मैंने बाढ़वासियों के लिए किया, जो भी समस्याएं थी उनका पूरा निराकरण करने की कोशिश की। अपने लोगों के बीच में मैं 10 सालों तक रही, हर सुख में दुख में साथ रही उनके। लेकिन जो प्रत्याशी अब चुनाव लड़ रहे हैं उनका कहना है कि 10 और 15 साल से बाढ़ में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 15 सालों से बाढ़ में कोई काम ना हो। जो भी पार्षद बनता है, मैं हूँ चाहे मेरे से पहले कोई और था, उन्होंने अपने जितना कर सकते थे उतना काम किया। ये जो कहना कि 10-15 सालों से काम ही नहीं हुआ सरासर गलत है। टाइलें जहाँ पड़नी थी गलियों में पड़नी थी वहाँ किया, जीवरेज का जितना जो टेम्परेरी जो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, चैम्बर खुलवाए और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज का जो काम है उसके लिए टेंडर हो चुके हैं और DC ऑफिस के पीछे जो बात कर रहे हैं उनका, वहाँ भी हमने 2 बार सीवरेज दिलवाने की कोशिश करी लेकिन ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, जब भी इसका फैसला होगा तो ये भी काम होंगे।
अब मैं बाड़वासियों से अपील करती हूं कि अब जो सीट है वो ओपन है, ओपन होने की वजह से मेरे पति चेतनदीप लखन पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका पूरा सहयोग करें, उनको विजयी बनाएं, और जो मेरे से कमी रह गई होगी तो वो पूरा करेंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूं कि वो पूरे इससे हौसले से काम करेंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं अपील करना चाहती हूं कि 10 तारीख को ईवीएम में सिलाई मशीन वाला बटन दबाकर सफलता दें, और हम दोबारा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और मैं भी आपके बीच में इस बहाने रह सकूंगी।